आप सब बहुत अच्छे से अपना क्वारंटाइन स्पेंड कर रहे हैं, लॉकडाउन में अच्छे से सेफ हैं घर पे। तो अभी कुछ अच्छा सा मुझे शेयर करने के लिए है मेरे पास, तो मैं आपसे स्टेटस की जगह या फिर नॉर्मल टेक्स्ट की जगह मैं आपसे एक प्रॉपर वीडियो बना के ही शेयर करती हूँ। तो बात यह है कि मुझे कल रात में, मतलब दैट इज़ 16th of May रात में 9:19 पे एक मेल आता है। तो वो मेल कुछ इस तरह है। सो द मेल इज़ लाइक दिस, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। Hi Sheetalpanthi, your request for verification has been registered. We will review your account and if approved, the blue mark will be added to your account. Oh my God, Mata Riji mein sun li. Please specify the type of account. Personal account with photos of me, personal account without photos of me, account for the company. If we receive the correct information, we will verify your account. And your account will be official. Hey, माता नानी मेरी सुन ली आपने तो? माता जी ने मेरी सुन ली, इतनी खुशी हो रही है मुझे तो। हे भगवान, थैंक यू सो मच। एक मिनट, मैंने तो वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट रेज ही नहीं करी, मेरे को मेल कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे को मिल जाए ना, मेरे को ब्लू टिक मिल जाएगा, बस बात खत्म। बट यार इतना अनऑफिशियल सा मेल, लाइक नीचे ना उन्होंने थैंक्स लिखा, ना रिगार्ड्स लिखा, ना कुछ सिग्नेचर, कुछ नहीं लिखा। ऊपर भी हाय शीतलपंथी में स्पेस नहीं दिया, बाद में कॉमा नहीं दिया, नीचे स्पेसिंग में भी इतनी गड़बड़, ऐसे कौन करता है? लेट मी चेक यार, क्या चल क्या रहा है ये। चलो चेक करती हूँ मैं अच्छे से कि भाई क्या है ये। वेरिफिकेशन, अरे भाई वेरिफिकेशन की स्पेलिंग तो ढंग से लिखते, वेरिफिकेशन क्या होता है ये? और वेरिफिकेशन डॉट मेल डॉट इंस्टाग्राम डॉट कॉम एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। वाह, नहीं नहीं वाह, अबे गवार, अबे गधे, तेरे को इतना नहीं पता क्या इंस्टाग्राम का खुद से उनका डोमेन होता है, उनको जीमेल का डोमेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? कम से कम इतना तो अकल लगाते, किसी का अकाउंट हैक करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ तो यार छी या, इतना गिरा हुआ लेवल के साथ कैसे आ जाते हैं मुँह उठा के यार, मतलब किसी का अकाउंट। फाइन, चलो अभी आगे देखती हूँ मैं कि क्या भाई साहब क्या चाहते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने मेल किया उनको। Hi Instagram team, thank you so much for your response. My Instagram account type is personal account with photos of me. Best regards Sheetal. Now let me see उनका क्या reply आता है, क्योंकि अभी तो उनको लगा होगा कि मैंने respond किया, मतलब मैंने ये मान लिया है कि ये मुझे mail आया है Instagram से। अभी देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। Let me see man. तो उनका reply आता है, एक मिनट, ये पहले तो देखो कैसा प्रॉपर ऐसा था कि ना उनकी कोई डीपी थी ना कुछ ना कुछ, अभी देखो प्रॉपर इंस्टाग्राम लिखा हुआ विद द आइकन, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, बिफोर वी कैन हेल्प वी नीड यू टू कंफर्म दैट यू ओन दिस अकाउंट, प्लीज रिप्लाई टू दिस ईमेल एंड अटैच अ फोटो ऑफ योरसेल्फ holding a handwritten copy of the code and information below, code, username, full name. Please make sure that the photo you sent includes the above code handwritten on a clean sheet of paper followed by your full name and username. Clearly shows both the code and your face is attached to your reply as a GL file. If this account doesn't include any pictures of you or is used to represent someone or something else, we won't be able to help you until we receive the photo that meets these requirements. Thanks, the Instagram team. Oh my God. Bhai, confidence dekh rahe ho? The Instagram team. Matlab इंस्टाग्राम टीम में कुछ काम ही नहीं है, मेरे पास आके बैठ जाएंगे बस। सर फोड़ लूँ अपना। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली प्रॉपर, कि क्या डाली थी, कि कुछ अच्छा ज्ञान मिलने वाला है, वेट फॉर इट,
एंड मैंने स्माइली भी बनाया था उसके ऊपर, ये थोड़ा एविल सा। तो मुझे लोगों के डीएम आने लगे कि अब किसकी शामत आई, अब कौन गया, अब किसकी बारी है करके। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी भावना पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स के साथ साथ वो बंदा भी देख रहा होगा जिस जो मतलब ट्राई कर रहा है मेरे अकाउंट को हैक करने का, जो भी करने का। तो इसीलिए फिर मैंने एक फेक स्टेटस डाला, ये अभी मैं दिखाती हूँ, ठीक है, कि थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम एंड कीप सपोर्टिंग एंड ब्ला 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 ब्ला, ताकि उस बंदे को लगे कि हाँ यार ये बंदी तो सच में फंस गई है, तभी इतना स्टेटस डाल रही है। एंड आप फिर लेकिन मेरे जो दोस्त थे उनके भी मैसेज आने लगे क्या हुआ करके। सो दैट फेक स्टेटस वॉज जस्ट ताकि मैं उस बंदे को दिखा सकूं कि यार मैं एकदम बिलीव कर चुकी हूँ तुम्हारी बातों पे, एंड अब तुम जो जो बोलोगे आई विल गिव इट टू यू। तो वो भी ज़्यादा दिमाग ना लगाए। हाय इंस्टाग्राम टीम, I am really sorry for the late reply, but I am not able to find the blank sheet. Lining sheet will also work with you, as in this lockdown, there is no shops open nearby. Hope you understand that problem, na? Waiting for your kind reply, as I don't want to lose this opportunity. Best regards, Sheetal. And you know, meanwhile, main kya kar rahi thi? Let me tell you. तो इधर अपन एकदम हैकिंग वाले मोड में पहुंच गए, एकदम मूड बना लिया मैंने कि आज तो हैकर बनना ही है मेरे को। कुछ तो करने का है आज। तो फिर मैंने काफ़ी कुछ किया, देखना है। तो एक गाना अर्ज किया है, अकाउंट हैक करने वालों मेल न करना ओ दीवानों, तुमने मिल करके चैन खोया नींद खोई, झूठ तू कहती नहीं हूँ फंस गए तुम, झूठ तो कहती नहीं हूँ फंस गए तुम। डड़ा 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 डड़ा। डॉन वाली फीलिंग चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने ये लगाया है, थोड़ा डॉन टाइप की लगूंगी मैं। अच्छा, आगे का मेल देखना है आपको कि आगे उसने क्या मेल किया। आगे जो उसने मेल किया ना, मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि यार वो मेल से ना मतलब कोई छठवीं का बच्चा भी होगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये साला फेक है, ऐसा मेल किया। देखो दिखाती हूँ। अरे हाँ, वो मैंने जो स्टोरी डाली थी ना, ये कि लाइक मैं बिलीव करने लगी हूँ उसकी बातों पे, एंड मुझे अकाउंट मिलने वाला है, वेरीफाइड अकाउंट मिलने वाला है, उसके 4 मिनट बाद ही उस मन भाई साहब का मेल आता है, ठीक है। अब मैं पूरा मेल नहीं पढ़ने वाली, तो दो चीज़ें बताऊँगी। उसने मुझसे इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांगा, ईमेल का पासवर्ड मांगा कॉन्फिडेंशियल, एंड फ़ोन नंबर, ईमेल। एंड यार सच में तू चौथी फेल है क्या? मतलब 6th क्लास के बच्चे को भी पता है कि ऐसा कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं भाई, थोड़ा पढ़ाई कर लेता कम से कम। ऊपर एंड में ऐसा लिखता है ना, द इंस्टाग्राम टीम, गवार कहीं का। क्या डॉन बनूँ, ये तो एकदम ही इसका लेवल इधर है। मेरे लेवल पे थोड़ा बहुत तो होता है भाई, मतलब कुछ कंपटीशन करने में, कुछ फाइट करने में मज़ा आता है मुझे। हैं, इतनी मेहनत की मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया, रात भर जाग के मैंने क्या क्या चीज़ सर्च की मैंने उसको ट्रैक करने के लिए, और इतनी मेहनत के बाद मुझे मतलब मुझे समझ में आता है कि भैया जी तो चौथी फेल है, इनको तो इतनी अकल नहीं है कि कोई भी समझ जाएगा ऐसी मेल करेंगे तो। चलो ठीक है, मैंने पूरा प्लान तो कर ही लिया था। अब मैंने हाँ पूरी चीज़ इंक्लूड नहीं की है मैंने और क्या क्या किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई अपनी सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताएगा ना कि भाई मैंने क्या क्या किया, उसको कैसे क्या ट्रैक करने के लिए। हाँ, तो इन शॉर्ट अभी मैं और मेल्स दिखाती हूँ। एक्चुअली और मेल्स में बकवास बात हुई है, एक मेल और दिखाती हूँ, ठीक है। बैक टू द मेल सेक्शन। मैंने भैया जी को बोला कि सॉरी आई वोंट बी एबल टू शेयर एनी पासवर्ड, तो भैया जी बोले तो वो जो भी बोले वो तो छोड़ो, एंड में देखो क्या लिखा है, थैंक्स
माइक द इंस्टाग्राम एडमिन, मतलब साला ये जो इंस्टाग्राम का एडमिन है उसको कुछ और है ही नहीं काम, मतलब मेरे को पर्सनली मेल करेगा, मेरे को बोलेगा हाँ भैया मेरे को ना ये इन्फॉर्मेशन दे दो, आपका अकाउंट ऑफिशियल कर दूंगा, ब्लूटिक लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अबे बकचोदी मेरे साथ तो मत करिए, तू जानता है मैं कौन हूँ, कह जहाँ कहीं का। हाँ सॉरी भैया, वो मैंने ना अपनी प्रोफाइल में मेंशन नहीं किया कि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे से बकचोदी मत करना ठीक है, हाँ ठीक है। बट मैं भी कहाँ मानने वाली थी यार, मैं भी मेल करती गई वो भी मेल करता गया, मैं भी मेल करती गई वो भी मेल करता गया, मैंने उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, एंड भैया जी बोलते हैं फिर दिस नंबर डज नॉट बिलोंग टू यू, और मेरे को प्रॉपर मेरा जो नंबर है उससे बोलता है कि ये वाला नंबर है, ये वाले नंबर से ये नंबर चाहिए उसको भैया को, इसकी तो ऐसी की कैसी ये बकवास। में साला मैंने कल खाना भूल गया, मैं खाना रखा फिक गया, मुझे याद भी नहीं था कि हाँ भाई खाना था मुझे, बट मैंने मेहनत की थी, आगे बढ़ी मैं, बताऊँ क्या किया, बताती हूँ। तो मैंने इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो मैंने क्यों की थी, ताकि मैं इसके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल कर सकूँ। तो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकी निकाली मैंने, उससे बकवास करके कर करके निकलवाई, एंड देन मैंने फाइनली उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल कर दी। एक राज की बात बताऊं, मैं नाम से शीतल हूँ, मन से शीतल हूँ, दिमाग से शीतल नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम पंगा मत लेना मेरे से साला। एंड मैंने जितने भी उसके मेल से उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बना के उसके जो उसका जो मेल हेडर था पूरा हेडर कॉपी करके उसका पीडीएफ बना के सब कुछ करके मैंने और भी इन्फॉर्मेशन निकाली है, सब के सब मैंने इनको भेज दी है, तब आगे का ये देखेंगे, अभी तो मेरा काम ख़त्म। हाँ तो ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए की ताकि जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है कि ऑथेंटिक क्या है क्या फेक क्या है, तो वो लोग भी डिफ्रेंशिएट कर सकें। आपको जब भी किसी से भी मेल आता है तो आप प्लीज़ सबसे पहली चीज़ आप देखो उसका डोमेन क्या है, अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो ऑब्वियसली उनका खुद का डोमेन होता है, वो जीमेल का या किसी भी याहू का या किसी भी और चीज़ का डोमेन यूज़ नहीं करते, बाकी आप ईमेल फॉर्मेट से भी देख सकते हैं तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो है डोमेन देखना ही होता है, तो मैं ये मेल इग्नोर कर सकती थी बिकॉज मुझे पता था ऑलरेडी कि ये सब कुछ फेक है, ये सब कुछ है, बट आई वॉन्ट टू टेक एक्शन बिकॉज मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट यही बंदा किसी और को जाके सेम चीज़ें करेगा, उस बंदे को अगर नहीं नॉलेज होगी तो ही माइट फॉल इन दैट ट्रैप। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जिन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है, एंड ये चीज़ भी मुझे बोला थी कि हमेशा इग्नोर करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू आपको टाइम निकालना पड़ेगा, निकालना ही चाहिए ऐसी चीज़ों को फाइल की कंप्लेन फाइल करने के लिए। वी ऑल हैव दैट साइबर सेल, बहुत टाइम चला मैंने, बहुत टाइम लग गया मेरा सब काम में। ए लाइक कर देना भाई, देखो नीचे लाइक का बटन है ना, लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत की है मैंने कसम से। बाय, लव यू।